मैं तो ये भी चाहता हूँ कि भाषा संस्कृति विभाग और एकेडमी को भी इसमें खुलकर आगे आना चाहिए। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन गर्मियों में एक बार फिर का मतलब है आठवीं बार ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला मनाया जा रहा है। बच्चों को इस पुस्तक मेले का इतना इंतज़ार होता है जून महीने का, और सबसे खुशी की और भी बात यह है कि आजकल उनको छुट्टियाँ हैं। यहाँ पर 50 के लगभग प्रकाशक आए हुए हैं, हिंदी में बड़ी नामी ग्रामी प्रकाशन संस्थाएं, वाणी प्रकाशन, आधार प्रकाशन, आपका राजकमल प्रकाशन, राजपाल प्रकाशन, जिसमें बड़े बड़े साहित्यकारों की पुस्तकें अवेलेबल हैं, उनकी रचनावलियाँ अवेलेबल हैं। जो बच्चे साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलेगी। जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के हैं या दूसरी भारतीय भाषाओं के लिटरेचर के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। जो विद्यार्थी दूसरी शैक्षणिक विधाओं में हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल कर रहा है, या आप कहें दर्शन शास्त्र में है, या आप देखें या राजनीति शास्त्र की अगर उनको पुस्तकें चाहिए, वो भी यहाँ पर बहुत भरमार है। मुझे ये लगता है कि उनके लिए जो है शारीरिक भूख के साथ साथ जो बौद्धिक भूख है उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध है। सबसे बड़ी खुशी की और बात है, आप कहेंगे बार बार खुशी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ही खुशी का विषय। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ओकार्ड जो ओजस सेंटर है उन्होंने इस बार फिर अपना जो है आठवां पुरस्कार जो है जो राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार है वो कवि गणेश गनी को दिया। और हमारे लिए ये बड़े गौरव का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के हर साल एक न एक उच्च स्तर के कवि लेखक को या उपन्यासकार को वो चुनते हैं और एक भव्य समारोह में उनका अलंकरण समारोह करते हैं। और हमारे प्रदेश के ही सबसे प्रख्यात उपन्यासकार श्री एसआर हरनोट हर रोज दो दो कार्यक्रम किसी न किसी विषय पर कर रहे हैं। जैसे आज अनुवाद को लेकर जो है बहुत बड़ा स्तर का कार्यक्रम जो है गिट्टी के हॉल में होने जा रहा है। मुझे ये लगता है कि हर रोज़ जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं उससे हमारे यहाँ पर जो साहित्यिक हलचल जो है वो बहुत बढ़ गई है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि भाषा संस्कृति विभाग और एकेडमी को भी इसमें खुलकर आगे आना चाहिए।